हेलो पब्लिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज का व्लॉग हमारे बारे में होगा, हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया और ये आधे से क्या व्लॉग्स, सब लोग कह रहे हैं व्लॉग्स को हटा के चैलेंजेस रखो, रैंक्स रखो, कंटेंट मिलेगा। मेरे पास कंटेंट नहीं है कि मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, मेरे पास यही एक ही यही रूम है जो आपको दिखा सकता हूँ। हेलो पब्लिक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारे बारे में होगा, हमारे पास्ट के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में, और हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया, कोई वजह तो होगी ना स्टार्ट करने की। तो यार ये आज चश्मा सारा व्लॉग नहीं बनेगा इस चश्मे के साथ, क्योंकि यार नींद नहीं हुई कम्प्लीट, क्या नींद की नहीं, क्योंकि भाई ने अपना शेड्यूल चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि भाई सारी रात जाता हूँ, दिन को सारे सोता हूँ, व्लॉग कैसे व्लॉग शूट करूँ, वाइंस कैसे शूट करूँ, कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए भाई ने टाइम पे कुछ को चेंज करने के लिए आज सारा दिन जब के रात को सोने की कोशिश करके जैसे टाइम टेबल बने और दिन को हम शूटिंग कर सकें, वाइंस की, प्रैंक्स की और व्लॉग्स की, जैसे आपको कंटेंट भर भर के मिले। तो यार कैमरा के साथ डिफिकल्ट बहुत होती है, क्योंकि इसमें LCD नहीं है और इसके साथ माइक भी कनेक्ट नहीं। तो हमारे पास है मोबाइल, ये है सैमसंग एक्सिस एज और ये है वीवो। अब इस दोनों को साइड रखते हैं और आते हैं हमारी ओर कि हमने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट क्यों किया था। तो यार यूट्यूब चैनल, पहले तो हमारा पास्ट में जाते हैं कि हमारे पास्ट में क्या था। भाई हमने इंटर क्लियर की, मेडिकल टेस्टिंग नहीं हो सके, डॉक्टर नहीं हो सके, उसके बाद गए कराची, एक साल बर्बाद किया, वहाँ पे वापस आ गए। अब आए तो बिजनेस करने के लिए, अभी भाई घर वालों ने कहा अभी सफर करवाएँगे, बिजनेस करवाएंगे, तो हमने कहा हमारे पास तो सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो हमने क्यों ना टाइम पास करें, ये तो टाइम पास के लिए ना चाहिए यूट्यूब चैनल। तो भाई बहुत लोगों ने मुझे कंपेयर किया है कि भाई ऐसा ब्लॉग बनाओ, ये वाला ब्लॉगर अच्छा है, इसकी तरह बनाओ। हमारे कोठी में भी 3-4 ब्लॉगर उठ के आ रहे हैं, तो मेरे कज़न और मेरे चाचू ने बोला है कि भाई इनकी तरह बनाओ, ये बोलते हैं ब्लॉगर, स्लो मोशन डालो, मतलब कि स्टाइलिश ब्लॉगर बनाओ, ना कि सिंपल बैठ के बनाओ। भाई टाइम आएगा, ऐसे ब्लॉग नहीं बनेगा ना भाई, उठाओ कैमरा और चल लो, टाइम आएगा, बजट बनेगा, बाहर निकलेंगे घूमेंगे तभी तो ब्लॉग बनेगा, और ना कि मैंने ब्लॉग किसी पैशन के लिए या शौक का बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा, आगे चल के बूढ़ा हो जाऊँगा या आगे चल के मेरा जो सपना है देखूँ कि भाई कहाँ से कहाँ पे आ गया, वो पीछे वाले ब्लॉग्स देख के खुशी होनी चाहिए कि भाई क्या थे क्या हो गए, ऐसी खुशी, इसलिए ब्लॉग बनाना, ना कि पैसों के लिए भाई यूट्यूब पे अड़ने के लिए, नहीं, शौक पे और देखने के लिए कि भाई पिछले जो क्या था क्या बन चुका हूँ, आगे जो बन आगे सपना पूरा हुआ। तो यार यही है हमारा फ्यूचर। तो यार आज हम बनाते हैं अपना शेड्यूल कि भाई हम करेंगे क्या। तो हमने एक चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ, अब देखिए वो गाजर इतना अच्छा नहीं है और पीछे का कैमरा पूरा ख़राब हो चुका है, ये हमारा कैमरा, इसके साथ अब दूसरा जो आएगा पहले SSL का वो आप देख लें और बताएं कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, क्योंकि जब भी बाहर जाएंगे कैमरा तो नहीं उठाएंगे ना, इसी से ही करेंगे, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि iPhone लें या कोई अच्छी मोबाइल लें। तो पहले ये देखें फिर वहाँ पर चलते हैं एक शेड्यूल बनाने के लिए। ये रहा X6H का रिजल्ट, अब चलते हैं शेड्यूल की ओर। आज हम बनाएंगे शेड्यूल तो नहीं बनाएंगे, शेड्यूल तो सवेरे उठना 4 बजे नेम करना, उसके बाद ये गोल डालना है कि भाई 30 डेज में 30 ब्लॉग्स डालने और उसके साथ 3-4 वाइंस जो दूसरे चैनल पे वो भी डालने। पहले ये सामने बोर्ड पड़ा होगा, देख के लगेगा कि भाई हम को डेली ब्लॉग्स डालना है। अब पहला चैलेंज देंगे 30 डेज का, 30 डेज 30 ब्लॉग्स। तो ये हमारा चैलेंज है कि भाई एनी हाउ कुछ भी करके 30 ब्लॉग्स 30 दिन में कंप्लीट करना है, मीन्स के डेली ब्लॉग डालना है, कुछ भी हो जाए फिक्स टाइम पे डालना है। तो यार चलते हैं फिर से अपनी टेबल की ओर, 30 डेज और 30 ब्लॉग्स तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, किसी भी कुछ भी करके भी आएंगे, बट ये शेड्यूल इसलिए बना रहा था क्योंकि भाई सारी रात को जग के स्टोरीज लिख रहा था, बना कब रहा, 4 बजे कभी 6 बजे उठूँ तो यार दिन तो निकल गया, बची रात, रात को निकला घूमने, थोड़ा खाना पीना खाने, बाहर माइंड फ्रेश करने, तो वाइंस कब बनेगी, टाइम ही नहीं मिला। तो थोड़ा सा शेड्यूल जो
नॉर्मल लोग का होता है भाई, रात को सोना दिन को उठना, वही हम बनाएंगे। बट क्या है, उठेंगे सवेरे 4 बजे उठेंगे, 10 बजे सो जाएंगे, ये हमारा शेड्यूल है आज। तो अभी तो नींद नहीं की, क्योंकि अभी सो जाऊंगा तो फिर से रात को सारी रात जागना पड़ेगा, तो इसलिए आज रात 10 बजे फिक्स टाइम पे सो जाएंगे। सुबह को 4 बजे उठ के नेम करके इस ऑफिस में आके अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो यार डेली ब्लॉग्स होगा, ये तो हमारी गारंटी है, 30 ब्लॉग्स 30 डेज में कम्प्लीट हो गए। उसके बाद देखा जाएगा कि भाई ब्लॉग्स एक दिन के बाद आ रहा है, दो दो दिन के बाद आ रहे हैं, या डेली ब्लॉग आ रहा है, उसके टाइम के हिसाब से होगा। तो आज यार तो इतना नहीं, तो एक चीज़ और है, माइक सेट करना है यहाँ पे, क्योंकि जो नेक्स्ट चैनल होगा जो हमने सेत्या ब्रांड से कन्वर्ट किया है आधे से, क्योंकि यार ये तो बन गया आधे से, तब लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इस पर लोग ही आएंगे। बट दूसरा चैनल पे वाइंस प्रैंक्स चैलेंजेस हमको पसंद नहीं आ रहा, प्रैंक्स और वाइंस और स्टोरीज मीन्स के मूवीज़ की तरह वो आएंगे, वो 20 मिनट भी हो सकती हैं, 1 मिनट भी हो सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आएंगी, बट आएंगी ज़रूर, लिखी हुई हैं, काम होगा, एक्टिंग भी होगी। बट यार सब लोग मुझे कंपेयर करते हैं, गुस्सा आता है कि भाई वो अच्छा बना रहा है तू क्यों नहीं बना। भाई मेरे हिसाब से मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि दूसरों को देखना है कि भाई उनकी तरह करना है, नहीं मुझे अलग करना है उनकी तरह, ना कि उनकी तरह ही करना है, मुझे अलग चीज़ बनानी है जो आपको भी पसंद आए, मुझे भी पसंद आए बनाने को। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये आज स्टार्ट, नींद बहुत आ रही बट सोएंगे नहीं, अभी भी टाइम बजा हुआ है 2 बजे, तो अभी भी बहुत टाइम पड़ा है सोने को, तो रात को 10 बजे तो कैसे भी करके आज कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो वो भी देख ले, फिर एंड करते हैं आपका ये ब्लॉग। आज थोड़ा सा लंबा भी बनेगा तो आपको मज़ा भी आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ भी दिखाएं जो हम यहाँ पे हरकतें करते हैं बहुत सारी, जैसे कि सिंगिंग, गिटार बजाना और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें एडिटिंग भी आ जाती है, गूगल से खेचल करना, वो चीज़ भी थोड़ी सी दिखा देते हैं आपको कि हम कैसे करते हैं। 30 डेज की ये 30 पर्चीज बन चुकी हैं, तो ये डेली डे 1 की फिर भी यहाँ पे रख के याद दिलाएंगे कि भाई डेली ब्लॉग करना है, क्योंकि भूल जाऊँगा फिर से चैलेंज एक्सेप्ट कर तो लूँगा और कंप्लीट ना कर पाऊँ तो नाक कट जाएगी सोसाइटी के सामने, पब्लिक के सामने, सॉरी। तो यार नींद भी बहुत आ रही है, सोना भी नहीं है, और क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो यार एक बात करनी थी आपसे कि भाई कभी भी किसी को भी अपने आप से कंपेयर मत करना, यूनिक हो भाई, अलग सोचो, ना कि भाई सब लोग मुझे कह रहे हैं VK2 Point का व्लॉग देखो, स्लो मोशंस, कॉन्फिडेंस लेवल देखो। भाई मैं जिससे भी फर्स्ट टाइम मिलता हूँ सीरियसली तरीके से मिलता हूँ, ना मजाक ना कुछ, ये भी फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग है, कैमरा है, तो सीरियस आऊँगा। जब नंबर्स बढ़ेंगे, देखने वाले बढ़ेंगे, तो जो बदमाश जो अंदर बैठा है ना वो निकलेगा, मींस के फनी टाइप, एंटरटेनमेंट टाइप निकलेगा जब नंबर्स बढ़ेगा, वरना तो सीरियसनेस भी हटेगा ही, कहाँ जाएगा। क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं भी जिससे भी मिलता हूँ, कोई भी न्यू फ्रेंड बनता है, पहले सीरियस, क्योंकि उसको पहले ही बदमाशी दिखाओगे वो भाग जाएगा, तो पहले शर्फ मीन्स कि यार अपना थोपड़ा चुपचाप दिखाओ कि भाई शरीफ लगो, और जब मिलो उससे वो दोस्त गहरा बनता जाए तो अपनी बदमाशी भी दिखा दे जाओ, जैसे वो डर ना जाए धीरे धीरे। तो हम भी अपनी यहाँ पे भी धीरे धीरे अपनी बदमाशी दिखा दे जाएंगे, ना कि जल्दी में। तो यार थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अब 4 बज चुके हैं, तो ब्लॉग एडिट करेंगे, मुझे पता है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं बना, तो कल से 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज एक्सेप्टेड कल से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाएं, अच्छे ब्लॉग बनाएं, कि आपके काम भी आएँ, जो आप टाइम निकाल के देखेंगे आपको मज़ा भी आने लगेगा। और नींद बहुत आ रही है, बहुत आ रही, हमने अपने काम कंप्लीट कर लिए। तो यार जो ये 4 बज चुके हैं, 2 घंटे लगेंगे ब्लॉग एडिट करने में, तो बजेंगे 7, बचेगा 1.5 या 2 घंटे, जो फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, तो सो जाएंगे जैसे कल सवेरे उठें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुश रहें, आबाद रहें, और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, बूम। बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप किसी को भी अपने साथ कंपेयर मत करें, आप अलग चीज़ करें, बस यही बोलूँगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तो बाय।